एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर टेंथ टर्म फाइंड करनी है। किसकी? इस वाले एपी की। देखो टेंथ टर्म का मतलब क्या हो गया, ए 10 निकालना है। क्या निकालना है आपको? ए 10। ठीक है, देखो इधर कोई सी भी टर्म फाइंड करने के लिए मुझे किस किस की जरूरत पड़ती थी, ए एन और डी की। देखो इधर सबसे पहले एपी क्या दे रखा है आपका, एपी देखो क्या दे रखा है आपका, 2, 7, 12 एंड सो ऑन। देखो ए कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, डी कितना हो जाएगा, 7 - 2 कितना आ गया, 5। और एन कितना है आपका, 10 है। एन कितना है आपका, 10। अब मुझे क्या निकालना है, ए 10। देखो ए 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, ए प्लस 9 डी लिख सकता हूँ। ए कितना है आपका, 2। 9 आपका एज इट इज, डी कितना है आपके पास, 5। 2 आपका एज इट इज, 9 × 5 = 45 कितना आ गया आपके पास, 47। ठीक है, जो इसकी टेंथ टर्म है वो कितनी आ गई, 47 आ गई। बात क्लियर है? अब ऐसे क्या बोल रही है कि हमें क्या निकालना है, 18th है ना टर्म निकालनी है। किसकी? इस वाले एपी की। देखो पहले टारगेट फिक्स करो, मुझे क्या निकालना है, ए 18 निकालना है। ठीक है, बात क्लियर है? क्या निकालना है मेरे को, ए 18। देखो सबसे पहले एपी उतारो, एपी क्या रखा है आपका, बोलो, √2, √3, √2, √5, √2 एंड सो ऑन। ठीक है, ए कितना है बोलो, √2 है। ठीक है ना, डी निकाले, कैसे निकालेंगे, ए 2 में से ए 1 को माइनस कर देंगे। ए 2 कितना है, 3√2 -√2 कितना आ गया पास, 2√2 आ गया। ठीक है ना, और एन कितना है बोलो, ये जो आपको जो टर्म निकालनी है वही आपका एन है, तो एन के लिए कितनी यहाँ पर, 18 है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, ए 18 निकालना है। ए 18 का मतलब क्या हो गया, ए प्लस 17 डी हो गया। ठीक है, वैल्यू रख दो उठा के, ए कितना आपके पास, √2 है, 17 आपका एज रेस, और डी कितना है आपके पास, 2√2। देखो √2 आपका एज रेस, 17 × 2 = 34√2। ठीक है ना, देखो इधर 34 और यहां कुछ नहीं मतलब 1 है, 34 और 1 कितना हो गया पास, 35√2 हो गया। ठीक है, अगर आपको देखो कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने क्या कर लिया, यहां से √2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, यहां कितना बच गया बोलो, 1, और यहां कितना बच गया, 34 बच गया। ये कितना हो गया, 35√2 हो गया। ठीक है, बात क्लियर है? अब ऐसे इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है हमें कि हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 24th टर्म निकालनी है। किसकी? इस वाले एपी की। देखो हमें सबसे पहले टारगेट फिक्स करो, मुझे क्या निकालना है, 24th टर्म, तो मतलब ए मुझे क्या निकालना है, ए 24 निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, ए 24 फाइंड करना है। देखो इधर सबसे पहले एपी की बात करें तो एपी क्या रखा है आपका, बोलो, 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन। तो ए कितना हो गया बोलो इसका, 9 हो गया। डी कितना हो गया, 13 - 9 कितना आ गया, 4। और एन कितना हो गया आपका, 24 हो गया। बात क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है, ए 24 क्या निकालना है, ए 24 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 23 डी लिख सकता हूँ। ए कितना है आपका, 9। 23 आपका एज इट इज, डी कितना है आपका, 4। देखो इधर 9 आपका एज इट इज, प्लस 4 × 3 = 12 केरी 1, 4 × 2 = 8 और 1 = 9 तो देखो कितना आगे पास, 101। तो इसकी जो 24 टर्म है वो कितनी आ गई, 101 आ गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, देखो क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ एपी इज -81। क्या पूछ रहा है हमसे कि कौन सी टर्म जो है इस एपी की वो कितनी होती है, -81 होती है। हमें क्या पता कौन सी टर्म है, तो हम क्या कहेंगे कि -81 आता होगा तो कहीं लास्ट में आता होगा। देखो इधर 21, 18, 15 एंड सो ऑन, -81 का मानेंगे हम लास्ट मान लेंगे। बात क्लियर है? अब देखो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले टारगेट फिक्स होना चाहिए, विच टर्म मतलब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है आपको, एन। ठीक है, देखो ए कितना है आपका, बोलो, ए कितना है आपका, 21 है। डी कितना है, 18 - 21 कितना आ गया बोलो, -3 आ गया। और ए एन कितना है, -81 है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, एन। तो देखो आप चाहो तो ए एन के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, और चाहो तो एन का, एन निकालने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, उसके लिए कंडीशन ये थी कि आपके पास ए एन होना चाहिए, ए होना चाहिए और डी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एन निकालने का क्या फॉर्मूला था, बोलो, ए एन
माइनस ए अपॉन डी है ना प्लस वन, ठीक है, रख दो वैल्यूज को उठा के। ए एन, ए एन कितना है माइनस का 81, माइनस ए, ए कितना है के पास 21, और डी, डी कितना है आपका माइनस का 3, ठीक है, और प्लस 1, करो देखो कितना हो गया 1 और 1 2, 8 और 2 10, माइनस का 102 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 4 जा 12, 34 और 1 कितना हो गया के पास 35, ठीक है, जो आपकी 35 है ना टर्म जो होगी वो कितनी होगी माइनस का 81 होगी, ठीक है, बात क्लियर है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है ये, विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, कौन सी टर्म जो है इस एपी की वो जीरो होती है, हमें क्या पता कौन सी टर्म है, हम क्या बोलेंगे जीरो आता होगा तो कहीं लास्ट में आता होगा, तो जीरो को हम क्या कर लेंगे लास्ट मान लेंगे, ठीक है, 84, 80, 76 एंड सो ऑन, लास्ट में कितना मान लेंगे हम लोग जीरो मान लेंगे, बात क्लियर है, ठीक है, और वही हमें क्या निकालना है एन निकालना है, क्या निकालना है आपको एन निकालना है, देखो ए कितना है बोलो 84, डी निकालो 80 माइनस 84 कितना आ गया माइनस का 4, और ए एन, ए एन कितना है आपका जीरो है, मुझे क्या निकालना है एन, तो देखो एन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला था आपके पास ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, बात क्लियर है, रख दो ए एन कितना है आपका, ए एन कितना है जीरो माइनस ए, ए कितना है आपके पास 84 अपॉन डी, डी कितना है माइनस 4, ठीक है, और प्लस वन, बात क्लियर है, देखो कितना आ गया माइनस का 84 अपॉन माइनस 4 प्लस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है, 21 प्लस 1 कितना आ गया 22, ठीक है, जो इसकी 22 जो टर्म होगी वो कितनी होगी आपकी जीरो होगी, क्या लिखोगे आप लोग 22 टर्म इज जीरो, 22 जो टर्म आ रही है वो कितनी आ रही है के पास जीरो आ रही है, ठीक है, बात क्लियर है। अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, इज 301 एनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, देखो क्या बोल रहा है कि जो 301 जो है वो इस सीक्वेंस की कोई टर्म है या फिर नहीं है, मतलब 301 जो है इस सीक्वेंस में आता है या फिर नहीं आता, तुम्हें पता है क्या, मुझे भी नहीं पता कि भाई 301 इसमें आता ही नहीं आता, तो हम क्या करेंगे 301 को लास्ट मान के चलेंगे, ठीक है ना, अगर 301 अगर इसकी टर्म है तो इसकी कोई ना कोई प्लेस तो होगा, कि भाई जैसे मान लो 10th प्लेस से बैठा हुआ है, 20 प्लेस से बैठा हुआ है, 30, तो n निकाल लो, अगर n है ना एक इंटी मतलब आप कह सकते हो आपका होल नंबर आ जाए या नेचुरल नंबर आ जाए तो वो इसकी टर्म है, अगर n नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो वो इसकी टर्म नहीं है, या इंटीजर बोल लो आप लोग, ठीक है, देखो इधर अगर हम एपी की बात करें, क्योंकि जो कुर्सी होती है एन जो होता है वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, समझ लो बात, कभी भी आपके पास एन फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, चले देखो एपी क्या है आपके पास 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन, ठीक है, और लास्ट में कितना मान लेंगे हम लोग 301 मान लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है भाई 301 आता ही नहीं आता, तो हम क्या करें भाई आता हुआ तो कहीं लास्ट में आता हुआ, ठीक है, देखो ए, ए कितना है आपके पास 5, डी कितना है 11 माइनस 5 कितना आ गया पास 6, और ए एन, ए एन कितना आपके पास 301 है, मुझे वही क्या निकालना है एन निकालना है, निकाले एन, देखो एन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था बोलो ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, रख दो वैल्यूज को उठा के, ए एन, ए एन कितना है आपका 301 माइनस 5 अपॉन डी और प्लस वन, ठीक है, देखो कितना हो गया बोलो, यहां हो गया 11, 11 में से 5 गया कितना बच गया 6, और 9 और 2 अपॉन 6 और ये प्लस वन, बात क्लियर है। अब देखो कितना हो गया, टू से कट रहा है, टू से काटा 3, टू से काटा 2 वन जा 2, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, अब देखो क्या 3 का इसमें पूरा पूरा डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता, ठीक है ना, नहीं जाता ना इसमें पूरा डिवाइड, तो देखो ये कितना हो गया आपके लिए 3 वन जा 3 है ना, मतलब आप ऐसे लिख लो 143
अपॉन 3 प्लस 1, सॉल्व कर लो इसको, 3 बन जाए 3, है ना, और इसमें इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 146 अपॉन 3। अब जो 146 अपॉन 3 है ना, इज नॉट इक्वल टू, मतलब जो n है आपका, देखो n की वैल्यू कितने के पास 146 अपॉन 3 आ गई, ठीक है ना। अब ये जो n है ना, ये क्या नहीं आ रहा आपका, एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सो इट इज नॉट ट्रम ऑफ दिस एपी, ठीक है ना, क्योंकि जब आप इसका डिवाइड लगाओगे, देखो मैं डिवाइड लगा के दिखाता हूँ, 3 4 जा 12, 2 बचा है ना, 3 8 जा 24, और ये कितना आ गया 2, ठीक है। ये क्या आ रहा है आपका, फ्रैक्शन में आ रहा है, किस में आ रहा है, फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, पूरा पूरा डिवाइड नहीं जरा, ठीक है। इसलिए ये क्या है आपकी, एक ट्रम 301 जो है, इस सिक्वेंस की ट्रम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, 301 इज नॉट ट्रम ऑफ द सिक्वेंस। सिक्वेंस क्या रखा है आपका, 5 11 17 एंड सो ऑन, ठीक है। 301 जो है इसकी कोई भी ट्रम नहीं है, ठीक है। ऐसे देखो हमसे क्या पूछा है, माइनस का 150 जो है, ठीक है ना, वो इस एपी में आता है या नहीं आता, ये पूछ रहा है। इज माइनस 150 एनी ट्रम ऑफ दिस एपी, है ना, माइनस 150 जो है वो इस एपी में आता है या फिर नहीं आता, तो हमें नहीं पता। तो हम क्या कहेंगे कि 150 आता होगा तो कहीं लास्ट में आता होगा। देखो इधर सबसे पहले एपी को लिखो, एपी क्या रखा है के पास, 11 8 5 2 एंड सो ऑन, लास्ट में कितना मान रहे हैं, माइनस का 150, ठीक है ना, बात क्लियर है। अब देखो इधर हमें क्या निकालना है, वही एन निकालना है, ठीक है। ए कितना है बोलो, 11, ठीक है। डी कितना है, 8 माइनस 11, कितना आ गया, माइनस का 3, और ए एन कितना आ गया, माइनस का 150 आ गया, ठीक है। अब हमें वही क्या निकालना है, एन, एन निकालने का क्या फॉर्म होता है, ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, बात क्लियर है। ए एन कितना है, माइनस का 150 माइनस ए कितना है आपके पास, 11 अपॉन डी, डी कितना है, माइनस का 3, ठीक है ना, और प्लस 1, बात क्लियर है। ये कितना हो गया, माइनस का 161 अपॉन माइनस 3, ठीक है, बात क्लियर है, और प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो क्या 3 का इसमें पूरा पूरा डिवाइड जाता है क्या, नहीं जा रहा ना डिवाइड पूरा पूरा। तो देखो करो इसको सॉल्व, कितना है के पास, 161 अपॉन 3 प्लस 1, लिखो 3 बन जा 3, इसमें इसको ऐड करो, कितना हो गया, 164 अपॉन 3, ठीक है, बात क्लियर है। आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं इसको, हम लिख देते हैं, चलो 3 का डिवाइड लगाओ, 35 जा 15, 1 बचा, 34 जा 12, और कितना हो गया 2, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, है ना, ये क्या है आपका, एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना, इसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है ना, क्योंकि जो n है, n हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 150 जो है वो इस एपी में नहीं आता है, बात क्लियर हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, माइनस 150 इज नॉट ट्रम ऑफ दिस एपी, माइनस 150 जो है इस एपी की ट्रम नहीं है, बात क्लियर है। चले फिर आगे, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो 3 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, इफ 6 एंड 17 टर्म ऑफ एन एपी आर 19 एंड 41 रेस्पेक्टली, देन फाइंड 40th टर्म। देखो क्या बोल रहा है हमें कि जो 6 टर्म है वो कितनी रखी है आपको, 19 दे रखी है, और जो 17 टर्म है वो कितनी रखी है, 41 दे रखी है, और हमें क्या फाइंड करना है, 40th टर्म फाइंड करनी है। देखो यार सबसे पहले अगर हम बात करें सिक्स टर्म का मतलब क्या हो गया, A6, ये किसके इक्वल रखा है, 19 के इक्वल रखा है। ऐसे देखें अगर हम A17 कितना दे रखा है, 41 दे रखा है, और मुझे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, A40 मुझे क्या करना है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है, बात क्लियर है, ठीक है ना। देखो इधर A6 का मतलब क्या हो गया, A+5D = 19, दिस इक्वेशन नंबर 1। A17 का मतलब क्या हो गया, A+16D = 41, दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं A40 की बात करूं तो मैं A40 को क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट बोलो A+39D। अगर मुझे इसको फाइंड करना है तो मुझे इसके लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, A की और D की जरूरत पड़ेगी,
तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर कर ए और डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, उसको उठा के इसमें रख देता हूँ। देखो यार, पहले हम यहाँ से, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब वन है, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब वन है, और ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, साइन चेंज करता हूँ। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। पहली टर्म हमेशा कैंसिल, कितना हो गया 16 में से 5 गया, कितना बच गया माइनस का 11d इज इक्वल टू माइनस का बचेगा, ठीक है। 11 में से 9 गया, कितना बच गया के पास 2, ठीक है। यहाँ रह गया 3, 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/11, 11 2 22, तो डी के लिए कितने के पास 2 आ गई, डी के लिए कितने के पास 2 आ गई है, बात क्लियर है। अब डी की वैल्यू हम क्या रख देते हैं, किसी भी इक्वेशन रख लेते हैं, ठीक है ना। देखो फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, किस में रख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। ए आपका एज इट इज 5, एज इट इज डी के लिए रख दिया 2 इज इक्वल टू 19, देखो कितना हो गया ए प्लस 10 इज इक्वल टू 19, तो ए इज इक्वल टू 19 माइनस 10, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो ए के लिए कितने के पास 9 आ गई है, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, A40, देखो A40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 39d लिख सकता हूँ, ठीक है। अब a और d की रख दो उसमें उठा के, a की वैल्यू कितनी है के पास 9, 39 आपका एज इट इज और d की जगह कितना है 2, 9 आपका एज इट इज, 9 2 18, के डी 1, 3 2 6 और 1 7, ठीक है। 8 8 16 और 1 17, के डी 1 7 और 1 8, तो कितनी आ गई इसकी, जो 40th टर्म है वो कितनी है के पास 87 है, कितनी है के पास 87। चले अब देखो इधर क्या बोल रहा है, ये इसी का क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं, क्या बोल रहा है। देखो थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8, थर्ड टर्म जो है वो तो कितनी देखी है 4th देखी है, और 9th टर्म जो है वो कितनी है -8। पहले इसको लिख लेता हूँ, थर्ड टर्म ये कितनी देखी है 4th देखी है, और जो हमारी 9th टर्म है वो कितनी देखी है -8 देखी है। देन विच टर्म है ना ऑफ इट्स विल बी 0, तो क्या बोल रहा है ये, कौन सी टर्म जो है इस एपी की वो 0 होगी, ठीक है। हमें भी नहीं पता तो हम क्या बोल लेते हैं, ए एन लास्ट टर्म जो है वो कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। देखो यार चले पहले इसको सॉल्व करते हैं, A3 को आप क्या लिख सकते हो, बोलो ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8, वही साइन चेंज करा, ठीक है। ए से ए कैंसिल, कितना बच गया माइनस का 6d है ना इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, या तो फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो, ठीक है, किसी में भी रख लो। बोलो a आपका एज रेस, 2 आपका एज रेस, d की जगह रख दिया -2 इज इक्वल टू 4, तो कितना हो गया a -4 इज इक्वल टू 4, देखो कितना हो गया a इज इक्वल टू 4 + 4, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया के पास 8, ठीक है। अब मैं क्या, मेरे को क्या दे रखा है, ए एन जो है वो 0 के इक्वल है, ए एन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो ए एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू कितनी है के पास 8 है, एन मुझे फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है ना। और डी, डी कितना है आपके पास, बोलो -2 है इज इक्वल टू 0, करो देखो इसको सॉल्व, 8 इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 10 - 2n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 2n, तो n इज इक्वल टू 10/2, 2 से काटा 5, तो n की वैल्यू कितने के पास 5 आ गई, कितने के पास 5 आ गई, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं इसी का, क्या बोल रहा है, देखो ये, इफ थर्ड टर्म ऑफ एपी, जो थर्ड टर्म है एपी की वो कितनी है 16 है, और जो 7th टर्म है वो कितनी है के पास 12 है, है ना। क्या बोल रहा है, देखो ये थर्ड टर्म जो है एपी की वो कितनी है 16 है, और 7th टर्म जो है इज 12 मोर देन, वो क्या है 12 ज्यादा है किससे, 5th टर्म से, ठीक है ना। देन फाइंड एपी, और मुझे क्या फाइंड करना है, एपी फाइंड करना है। देखो अगर मुझे एपी फाइंड करना है तो मुझे इसके लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, ए और डी की, किसकी जरूरत पड़ेगी, ए और डी की। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, कि जो थर्ड टर्म है वो कितनी है के पास 16 है, और जो 7th टर्म है वो क्या है 12 ज्यादा है किससे, 5th टर्म से, ये बोल रहा है। 7th टर्म जो है इज, इसका मतलब क्या है, वो है कितना 12 ज्यादा, तो आप क्या बोलोगे प्लस 12, किससे 12 ज्यादा है, 5th टर्म से, ए 5 से, बात क्लियर है। अब देखो यार ए3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो
ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 16, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसको लिखो, ए सेवन को आप क्या लिख सकते हो, बोलो ए प्लस 60 इज इक्वल टू, ए फाइव को मैं क्या बोल सकता हूं, ए प्लस 4d प्लस 12। ए से क्या हो गया, यहां पर ए कट गया, इस 4d को उठा के चले जाता हूं, कितना आ जाएगा बोलो, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, तो कितना आ गया बोलो, 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पास, 6 आ जाएगा, डी के लिए कितने के पास 6 आ गई, बात क्लियर है। ठीक है ना, अब डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं, ए आपका एज इट इज, टू आपका एज इट इज, डी की जगह रख दिया 6 इज इक्वल टू 16, तो कितना हो गया, ए प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो ए इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 4, कितना आ गया पास 4 आ गया। ठीक है ना, अब मुझे क्या फाइंड करना है, एपी, अब मैं आराम से निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे पास ए बी है और डी बी है, देखो इधर ए वन कितना हो गया 4 हो गया, अब ए टू कैसे निकालूंगा, 4 में 6 को ऐड कर लेता हूं, 4 प्लस 6 कितना आ गया 10, अब मुझे निकालना है A3 कितना हो जाएगा बोलो, 10 प्लस 6 कितना आ गया 16, अब मुझे निकालना है A4 तो 16 प्लस 6 कितना आ गया पास 22, तो जो आपका AP है वो क्या तैयार हो गया बोलो, 4 10 16 22 एंड सो ऑन। ठीक है, तो AP क्या तैयार हो गया आपका, 4 10 16 22, ठीक है, ये आपका AP वाला।